बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में तीन शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा अंधा और तीसरा गंजा। अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लेने का इरादा किया। चुनाचा अल्लाह ताला ने इनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। इसने जवाब दिया, अच्छा रंग और अच्छी चमड़ी, क्योंकि मुझसे लोग परहेज़ करते हैं। फरिश्ते ने इस पर अपना हाथ फेरा तो इसकी बीमारी दूर हो गई और इसका रंग भी खूबसूरत हो गया और चमड़ी भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा कि इस तरह का माल तुम ज़्यादा पसंद करोगे, तो उसने कहा ऊँट। चुनाचा उसे हामला ऊँटनी दी गई और कहा गया कि अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और उससे पूछा, तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? उसने कहा, उम्दा बाल और मौजूदा ऐब मेरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझसे परहेज़ करते हैं। फरिश्ते ने इसके सर पर हाथ फेरा और इसका ऐब जाता रहा और इसके बजाय उम्दा बाल आ गए। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल पसंद करोगे? उसने कहा, गाय। चुनाचा उसे हामला गाय दी गई और कहा गया कि अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा। फिर अंधे के पास फरिश्ता आया और कहा, तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? इसने कहा, अल्लाह ताला मुझे आंखों की रोशनी दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने इसकी बिनाई उसे वापस दे दी। फिर पूछा, किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? उसने कहा, बकरियां। फरिश्ते ने उसे हामला बकरी दे दी। फिर तीनों जानवरों, ऊँटनी, गाय और बकरी के बच्चे पैदा हुए, यहाँ तक के कोढ़ी के ऊँटों से उसकी वादी भर गई, गंजे की गाय बैल से उसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से उसकी वादी भर गई। फिर दोबारा फरिश्ता अपनी इसी पहली शक्ल में कोढ़ी के पास आया और कहा, मैं एक नहायत मस्कीन और फकीर आदमी हूँ, सफर का तमाम सामान और असबाब खत्म हो चुका है और अल्लाह ताला के सिवा और किसी से हाजत पूरी होने की उम्मीद भी नहीं, लेकिन मैं तुमसे उस जात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग, अच्छा चमड़ा और माल अता किया, एक ऊँटनी का सवाल करता हूँ जिससे सफर को पूरा कर सकूँ। उसने फरिश्ते से कहा, मेरे जिम्मे हकूक और बहुत से हैं। फरिश्ते ने कहा, गालबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ, क्या तुम कोढ़ की बीमारी में मुब्तला नहीं थे जिसकी वजह से लोग तुमसे घिन खाते थे? तुम एक फकीर और कलाश थे, फिर तुम्हें अल्लाह ताला ने ये चीज़ें अता की। इसने कहा, यह सारी दौलत तो मेरे माँ बाप दादा से चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। फिर फरिश्ता गंजे के पास अपनी इसी पहली सूरत में वापस आया और उससे भी वही दरख्वास्त की और उसने भी वही कोड़ी वाला जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। इसके बाद अपनी इसी पहली सूरत में फरिश्ता अंधे के पास आया और कहा, मैं एक मस्कीन आदमी हूँ, सफ़र के तमाम सामान खत्म हो चुके हैं, सिवाय अल्लाह ताला के किसी से हाजत पूरी होने की तवक्का भी नहीं। मैं तुमसे इस जात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें तुम्हारी बिनाई वापस दी है, एक बकरी मांगता हूँ जिससे अपने सफ़र की ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। अंधे ने जवाब दिया, वाकई में अंधा था और अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल से बिनाई अता फरमाई और वाकई में फ़कीर और मोहताज था और अल्लाह ताला ने मुझे मालदार बनाया। तुम जितनी बकरियां चाहो ले सकते हो, अल्लाह की कसम जब तुमने अल्लाह का वास्ता दिया है तो जितना भी तुम्हारा जी चाहे ले जाओ, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोक सकता। फरिश्ते ने कहा, तुम अपना माल अपने पास रखो, ये तो सिर्फ इम्तिहान था, अल्लाह ताला तुमसे राज़ी और खुश है और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज़ है।